गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 7 के लिए अलजेब्रा का सब्सट्रैक्ट लेकर के आया हुआ हूँ, क्योंकि पिछली कक्षा में मैंने अलजेब्रा का एड मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को जोड़ने के लिए बताया था। तो आज जो आपका एड जो है आपका कंप्लीट हो जाने के बाद, ये आपका जो टॉपिक है सब्सट्रैक्ट, इट मीन्स घटाओ, सब्सट्रैक्ट इट मीन्स घटाओ, जिसका सैंपल होता है ये वाला, ये घटाओ का आपका सैंपल हो गया। तो ये हम लोगों को सब्सट्रैक्ट का, अलजेब्रा का सब्सट्रैक्ट जो है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि 1 से लेकर 5 तक आपका क्या है, क्वेश्चन है, 1 से लेकर 5 तक आपका क्वेश्चन है, जिसमें से आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ और कुछ क्वेश्चन आप लोगों का इसमें से होमवर्क रहेगा, किस प्रकार बनाना है कि नहीं बनाना है वो आप लोग खुद देख लीजिए। तो सॉल्यूशन में हम चलते हैं। सबसे पहले आपका जो सॉल्यूशन का ध्यान दीजिएगा, तो सॉल्यूशन का आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन मैं सबसे पहले बताना चर्चा करना चाहता हूं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 3x-2y+9 from 4x+y-z, ये आपका क्वेश्चन है। इसका आपको क्या करने के लिए बोल रहा है, क्वेश्चन का सब्सट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है, मींस घटाव करने के लिए बोल रहा है। तो 3x-2y+9 from, आप लोगों को मैंने बताया था ये एड का क्वेश्चन बताया था, जब क्वेश्चन के आगे जब कॉमा था तो जो आपका क्वेश्चन में बोलता है एड करने के लिए, तो उसके बदले प्लस होता है, आपका सब्सट्रैक्ट करने के लिए बोला था तो उसके बदले माइनस हो जाएगा आपका। तो यहां पर क्या करेंगे, 3x का 3x, तो आपका 3x का 3x -2y का 2y +9। अब उसके बाद क्या बोला आपका, फ्रॉम बोल रहा है, तो फ्रॉम इट मीन क्या हो जाएगा आपका, घटाओ, और घटाओ इट मीन क्या हो जाएगा आपका, माइनस। तो ये आपका माइनस का माइनस हो जाएगा, फ्रॉम इट मीन्स जो आपका क्वेश्चन बोल रहा है करने के लिए, अगर कि आपका एड करने के लिए बोलता तो यहाँ पर आपका रहता टू, फ्रॉम तो नहीं रहता, तो यहाँ सब्सट्रैक्ट करने के लिए बोला तो फ्रॉम का आपका माइनस हो जाएगा। तो माइनस के बाद में आपका कितने संख्या वो सारा का सारा ब्रैकेट में उतर रहा है, तो ब्रैकेट में 4x का 4x + y का y - z का z। अब इसको क्या कर रहा है, हम लोगों को सॉल्यूशन कर रहा है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। 3x का 3x -2y का 2y +9 का 9। अब यहां पर देख रहे हैं माइनस क्यों दिया, आप लोगों को पता चल गया होगा, माइनस इसलिए दिया क्योंकि जहां पर क्वेश्चन आपका फ्रॉम बोलेगा वहां पर माइनस देना है, और फ्रॉम के बाद में जितनी भी संख्या उसको किस में रखना है, ब्रैकेट में रखना है। गुड, समझ में आया, गुड। अब यहां पे सॉल्यूशन करते हैं, यहां माइनस यहां प्लस, माइनस प्लस आपका क्या हो जाएगा, माइनस उतरेगा क्या, 4x, यहां माइनस यहां क्या आपका प्लस, माइनस प्लस माइनस, वाई एकम वाई, माइनस माइनस प्लस, जेड एकम जेड। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं हम, तो सॉल्यूशन में आपका क्या हो जाएगा, जाति जाति वाला एक साथ में करना है, तो जाति जाति वाला देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, 3x है, तो x वाला और कहाँ है, देखिए x वाला सर्च करते हैं, x वाला नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला, यहाँ पे x वाला भी मिला। अब y वाला को y के साथ मिलाते हैं, तो y वाला कहाँ मिला, यहाँ पे मिला। z वाला भी आपका जो है तो उसको सब एक साथ में लिखेंगे हम, तो सबसे पहले क्या है, 3x है 3x, x वाला और कहाँ पे है, यहाँ पे, तो क्या आपका -4x है, -4x, उसके बाद क्या आपका -2y का 2y, -2y का 2y, और y कहाँ पे, y वाला किसके कहाँ मिलाए थे, यहाँ पे -y के साथ, हो गया। अब आपका क्या बच रहा है, -y के बाद में उतारने के बाद में आपका क्या बच रहा है, जेड, तो और कहीं जेड है क्या, हम देखते हैं जेड 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 और कहीं जेड है क्या, देखते हैं, जेड नहीं है, सिर्फ क्या है, +9 है, तो +9 हम उतार देते हैं, ये आपका हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को समझने का काम है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर चिन्ह किसका है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है प्लस, और यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इट मीन हम यहाँ पे समझे कि दोनों को क्या करना है, घटाना है, जब माइनस आता है क्या करना है, घटाना है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि चिन्ह किसका बड़ा है, साइन किसका बड़ा है, 4 वाला बड़ा है कि 3 वाला बड़ा है, जिसका बड़ा रहेगा वही यहाँ पे उतरेगा, अगर कहीं 3 वाला चिन्ह बड़ा है या 4 वाला चिन्ह बड़ा है, जिसका बड़ा है वही उतरेगा। तो बड़ा संख्या यहाँ पर कौन है, 3 वाला कि 4 वाला, तो 4 वाला, तो 4 वाला चिन्ह बड़ा है माइनस का, तो माइनस यहाँ पे उतरेगा, तो माइनस उतर गया, तो 4x में से 3x जाएगा, कितना x बचेगा, 1x, ओनली x, हो गया आपका। अब इसका सॉल्यूशन दोनों का कंप्लीट हो गया,
उसके बाद क्या आपका माइनस टू वाई और एक वाई, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह आपका क्या होता है माइनस का, तो टू वाई और एक वाई कितना हो जाएगा थ्री वाई प्लस जेड का जेड प्लस नाइन। ये आपका क्या हुआ सॉल्यूशन हुआ सब्सट्रैक्ट का, जो आपका अलजेब्रा का सब्सट्रैक्ट जो क्वेश्चन था आपका, ये आपका सॉल्यूशन हुआ क्लास सेवन के लिए। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फाइव, आप क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर को आप क्या कर दें छोड़ दें, और वन थर्ड एंड फाइव को आप इसका सॉल्यूशन करें। मैं इसका होमवर्क